जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा, और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठा कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे, और उस समय भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और वे धोखा देने के लिए कम्बल का वस्त्र न पहनेंगे, वरन एक एक कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूं और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूं। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए, तब वह कहेंगे ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उनमें बनी रहेगी। इस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो उनके विषय में कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है।